आवाज का जादू जो सर चढ़कर बोले आवाज से पाकिस्तान The largest group of FM radios in Pakistan. So tune in now. Radio Awaz. Thank you so much for tuning in. This is Maha, Malik with Lifestyle Only on Radio Awaz. आपके मेरा साथ 12 बजे तक रहने वाला है. इसी तरह साथ निभाते रहेंगे. कमेंट्स भी आना शुरू हो गए हैं, कॉल्स भी आना शुरू हो गई हैं. आपके कमेंट्स और आपके कॉल्स भी शो में शामिल करते हैं. पर उससे पहले हल्का फुल्का प्यारा सा रिमाइंडर. ये प्यारा सा रिमाइंडर नहीं होता, पर चले आप मैंने आप इसी तरह किया ना, मैं बिल्कुल ही अब्रप्टली तो नहीं ना कह सकती. anyway, जी आप लोगों ने SOPs, कोरोना SOPs को फॉलो करते रहना है, क्योंकि केसेस जो हैं वो बहुत ही स्पीड से बढ़ रहे हैं. जो सेकेंड वेव थी या फर्स्ट वेव थी उसमें इतनी तेज़ी से केसेस नहीं बढ़े जितनी थर्ड वेव में केसेस बढ़ रहे हैं. और ना सिर्फ केसेस बढ़े हैं बल्कि इसकी सीवियरिटी भी बढ़ गई है. जो वायरस है म्यूटेंट है और इसकी जो सीवियरिटी है यानी कि इसकी शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का भी सामना करना पड़ रहा है, सेहत के लिहाज से भी और ओवरऑल भी. तो आप लोगों ने यही कोशिश करनी है, मास्क अपना ज़रूर लगा के रखें और SOPs को फॉलो करें. गंदे हाथ जो हैं वो चेहरे पर ना लगाएं, खाने पीने की चीज़ों का ना लगाएं और 6 फुट का फासला रखें, ठीक है? ये ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग इज़ एवरीथिंग. ना सिर्फ ये बल्कि कई सारी बीमारियों से जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग हमें बचा लेती है. ये मास्क लगाना हमें जो है सीजनल खांसी फ्लू वगैरह ये सारी चीज़ों से भी हमें हमें हमारी बचत हो सकती है, हमें ये बचा लेती है. ये हमें SOPs फॉलो करना, ये मास्क लगाना, ये हाथ धोना और गाहे बगाहे इस चीज़ का ख्याल करना कि भाई फासला बहुत ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है. 10:40 हुए चाहते हैं, 12 बजे तक इसी तरह मेरा साथ निभाते रहेंगे. आज मैं पूछ रही हूँ आपसे कि क्या आपने भी ऑनलाइन शॉपिंग की, क्या आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? क्योंकि 2020 में तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ चल पड़ी है, ट्रेंड भी चल पड़ा. अब जिस तरह से जैसे जैसे लॉकडाउन स्ट्रिक्ट होता जाता है लोगों के ऑनलाइन शॉपिंग के डिमांड भी बढ़ती जाती है. और इवन जो इस तरह के होती हैं आउटलेट्स वगैरह होती हैं, बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती हैं, वो ऑनलाइन शॉपिंग को प्रमोट करते हुए उसके ऊपर 20-30% जो है वो डिस्काउंट भी लगा रही होती हैं. तो वो डिस्काउंटेड हमें रेट भी मिल रहा होता है, फिर हम घर बैठ के ऑर्डर कर रहे होते हैं. कभी कभी चीज़ें अच्छी आ जाती, कभी नहीं आती. कभी हम ब्रांड्स वगैरह से उठाने के बजाय कोई सस्ती सी जो है ना वो कहीं लोकेशन से उठाने की कोशिश करते हैं, वहाँ से कोई चीज़ परचेज़ करने की कोशिश करते हैं. और फिर हम देखते हैं कि यार ये जो चीज़ है ना ये आज हमें मिल रही है, दोबारा हमें मिलनी कोई नहीं है. ये हमारे दिमाग में पता नहीं क्यों सबकॉन्शियस में ना ये कॉन्सेप्ट हमारे है कि ये आज हमें मिल रही है, ये दोबारा हमें मिलने नहीं लगी. तो जो कुछ है आज ही है, अभी ही है, तो हम जो है वो अभी ही परचेज़ कर लें. परचेज़ जो हैं जितनी जल्दी करेंगे उतना अच्छा है. और ये जो चीज़ हमारे पास आ जाएगी शायद ये दोबारा आएगी नहीं, अगर होगी तो दूसरों तक इतनी ज़्यादा मतलब इतनी आसानी से आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी, रसाई नहीं होगी, यूँ होगा वो होगा. तो ये काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो है ना हमारे दिमाग में होते हैं, जिसकी वजह से हम ऑनलाइन शॉपिंग बस मतलब जल्दबाजी में कर लेते हैं. और अक्सर कहते हैं कि अगर कोई चीज़ आपने डिसाइड करनी है तो स्लीप ओवर इट, मतलब आप थोड़ा टाइम उसको दें, आप नेक्स्ट डे डिसाइड करें. आज आपने सोचा, आप नेक्स्ट डे डिसाइड करें. सो के उठेंगे जब आप, तो माइंड फ्रेश होगा, शायद सोच बदल गई हो, इरादा बदल गया हो, मजबूत हो गया हो या कमज़ोर हो गया हो, कुछ ना कुछ फ़र्क आ गया होगा. तो उसके बाद फिर आप उसको जो है ना मतलब उसे डाइजेस्ट करने के बाद उसे जो है ना डिसाइड करें कि क्या आपने करना है. तो जब ऑनलाइन शॉपिंग की बारी आती है तब भी यही सजेस्ट किया जाता है. I'm not afraid to die.
रहा है मुझे कि मेरे गम की भिन्नता में तेरे बिना गुजार के जिएंगे कैसे फना ये जिंदगी तो बेवजह हुए क्यों इस कदर। जी जनाब हम आ गए हैं वापस बेस्ट रेडियो नेटवर्क्स इन पाकिस्तान को सुनने का शुक्रिया। 11 बज के 9 मिनट 10 मिनट 10 मिनट पे जाते हैं और इसी तरह साथ निभाएंगे भी है वो कॉल शामिल कर लेते कौन कहाँ से। हेलो 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 जी 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 वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा बहुत धीमी आवाज़ आ रही। अच्छा एक मिनट जी वालेकुम अस्सलाम जी कौन कहाँ से। जी जाहिद हुसैन बोल रहा हूँ सियालकोट से शहर इकबाल की नगरी से। हाँ जी शहर इकबाल तो है वाकई। कैसे हैं आप खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह और इत्तेफाक से अभी मैंने अपनी गाड़ी सियालकोट के मशहूर मकाम मरी कॉलेज रोड पर उसके बिल्कुल ओपोजिशन की हुई है। अच्छा आपका प्रोग्राम सुनने के लिए क्योंकि यहाँ ही हमारे शहर की महबूब हजरत अलामा इकबाल साहब फैज अहमद फैज साहब ये उन लोगों ने जहाँ से इन लोगों ने दरसगाह अपनी शुरू की। हाँ बिल्कुल ठीक ठीक ठीक। तो क्या कहेंगे जी आज के शो के हवाले से। सबसे बड़ी बात तो माशाल्लाह माशाल्लाह मैं आज कहता हूँ कि माशाल्लाह आपका हर दिन जो टॉपिक होता है ना कुछ हमें सिखाता हुआ। ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें सबसे बड़ी बात ना मैं अपने सामने को हमें पहले तस्दीक ये कर लेना की हम किस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं उसका मामला करें आया कि वो पूरी एक तरह से कन्फर्म है क्योंकि आजकल बड़ा सिस्टम के हमारे भी खुद दो तीन मरतबा मामला ऐसे होते हैं ऑनलाइन की चीजें हमने कुछ मंगवाया लेकिन जो एड होती है वो कुछ और होता है निकलता कुछ और है। बिल्कुल ऐसे ही हमें हम लोकल अक्सर लोकल ब्रांड का किसी भी वारंटी की चीजें से मामला भी होता है थोड़ा महंगा होता है जरूर है लेकिन उसका गारंटी तो होती है कि नहीं। बिल्कुल ऐसे ही और इसी हवाले से जो आप उसी वारंटी के हवाले से इतमाद एक बनाया होता है यानी कि वो जो कंपनी है एक मरतबा खरीद लेते हैं आइंदा फिर आप उसको दूसरे को मशवरा देते हैं या इधर से शॉपिंग नहीं करनी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अब दूसरा आज के रात के हवाले से जो इजाजत हो तो मैं कुछ बात जी, 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 जरूर जरूर बिल्कुल आज ना देखा होगा सोशल मीडिया पे भी व्हाट्सएप पे भी मैसेज एक मैसेज बहुत आम है यार छपे रात है जब मेरी तरफ से कोई गलती कुटाई होगी तो हम माफी चाहते हैं उसके बाद 10 मिनट बाद मैं माफी मांग लेता हूँ मुझे आप ये बताएं कि वो उसका दिल माफी करने में कबूल करेगा। नहीं बहुत मुश्किल होता है वाकई बहुत मुश्किल होता है। हमें खुद ही चाहिए पाक रात के सदके नमाज सबसे बड़ी बात मैं तो एक्सपेक्ट जब से हमारा अपने कुरान मजीद और अपने दीन से हम कुछ दूर हो गए ना हम इस मामले से दूर हो गए आज आज वल्ला हम कुरान मजीद की तलीम तो पढ़ते हैं उसका तर्जुमा हमें पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती। बिल्कुल आज आज हमारा ज़हन ये तो होता है कि बेटी के सर पर कुरान मजीद रखेंगे उसकी रहमत होगी अल्लाह के बंदे उसकी उसकी छाव से रहमत होगी जो उसके पढ़ने से कितनी रहमत होगी ये हम क्यों नहीं ये क्यों नहीं सोचा जाता वाकई बिल्कुल ठीक कह रहे। जब हम किसी बेटी की रुख्सती होती है हम उसे क्यों नहीं कहते सूरत निसा या फिर कुरान मजीद की काफी ऐसी सूरतें हैं जिनसे हमें बहुत कुछ शादी शुदा लाइज या हम प्रैक्टिकल सीखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लेकिन हम नहीं उस चीज पे लेकिन फिर भी जो करते हैं हमें मैं खुदारा आज की रात के दिन जितना हो सके हमें तौबा तो मांगनी चाहिए लेकिन उस खुदा को राजी कर लें मुमकिन है कि जो हमें अगले पिछले गुनाह और आइंदा हम अहद करें अल्लाह ताला की जात पर खुद फरमाते तौबा मांगो और आइंदा अहद भी करो कि मैं आइंदा इससे नहीं करूंगा। बिल्कुल और हमें अपनी इंसानियत में मोहब्बत भाईचारा खलूस बांटेंगे तो हमारा और सबसे बड़ी बात मुमकिन है माली हालात से हम कमजोर हो जाए या दूसरे मामला या दुनिया में हम कुछ हल नहीं हो लेकिन उस खुदा की बात में तो आप अजीम तरीन बन जाएंगे ना। बिल्कुल ऐसा ही है बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह आपको बहुत शुक्रिया माशाल्लाह 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 आपके प्रोग्राम में आके ऐसे ही कॉल करने का मकसद माशाल्लाह जिससे एक स्टूडेंट अपना सबक सुना रहा हो आपसे ही सीखा होता है। नहीं अच्छा प्रोग्राम क्योंकि इधर रिकॉर्डिंग या अपने दोस्तों को आपको कहता हूँ ना जी आवाज 105 और फिर एक ही शिकवा हर मतलब आवाज 105 नेट पे सुनने सानू लाइव ही सुनना जी चलो जी दुआ करो जे कोई तुम्हारी कबूल हो जाए बिल्कुल अल्लाह तुम खुश रखे ठीक है जी बहुत शुक्रिया जी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी जान से अपने गुजरात के तमाम मेरे दोस्तों को जो कॉलर हजरात आती है माशाल्लाह सबको
सलाम और आपकी पूरी मैनेजमेंट को, आपके डायरेक्टर साहब से लेके गेट कीपर और यहाँ तक के आपके जो खान साहब सब हजरातों को, क्योंकि आप आपके पीछे टीम वर्क होती है बिल्कुल जो आपको इस तरह हमारे बिल्कुल आवाज लेकर. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, दुआ को अल्लाह आपको हर मोड़ पे कामयाब. आमीन, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज. और आई जी जाहिद सियालकोट से हमारे साथ, ये हमारे साथ ही होते हैं और डेली बेसिस पे होते हैं. आपको और भी बहुत सी बातें करेंगे, छोटी सी कमर्शियल ब्रेक होके वापस आते हैं. Stay tuned. We'll be right back. आवाज मोहब्बतों की. ग्यारह बज के 25 मिनट हुए चाहते हैं आपके, मेरा साथ रहने वाला है 12 बजे तक. 12 बजे तक इसी तरह साथ निभाते रहेंगे, बताते रहेंगे आप लोग मेरे साथ साथ ही कौन कौन कहाँ कहाँ से कैसे कैसे मुझे सुन रही है. आप लोगों ने मुझे बताना है, साथ आप मुझे ये भी बता रहे हैं कि क्या आपने ऑनलाइन शॉपिंग की, और अगर की तो आपको एक्सपीरियंस कैसा रहा, जिसके लिए मुझे अभी फिलहाल तो कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया नहीं है. जगम है जी कुंजाज से हमारे साथ हैं, उन्होंने कॉल की और वो बता रहे थे कि ये कोई अच्छा एक्सपीरियंस ना तो उनका रहा ना गिर्द नवा में किसी का, और वो यही कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए शॉप पे जाके परचेजेस करें, ऑनलाइन परचेजेस से गुरेज ही करना चाहिए. अकॉर्डिंग टू हिम ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ना ही सेफ है, क्योंकि गारंटी नहीं होती इस चीज़ की. फिर बहुत शुक्रिया जगम, अब हमारे साथ हैं और हमें सुन भी रहे हैं, हमें सुनते भी रहते हैं और बताते भी रहते हैं अब हमारे साथ साथ होते हैं. कैसर सुल्तान है जी गुजरात से हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच कैसर, आपने हमें कॉल की है. और कैसर कहते हैं कि जी इस तरह से उन्होंने बेडशीट्स मंगवाई थी और बेडशीट्स के साथ फ्री मोबाइल भी था, तो जब वो बेडशीट्स आई तो एक तो बेडशीट्स हल्की, ऊपर से मोबाइल भी खिलौने का, तो तो ये एक्सपीरियंस तो होते रहते हैं. और ऑनलाइन शॉपिंग का ये होता है कि अगर आप किसी अच्छी ब्रांड से नहीं मंगाते या किसी अननोन ब्रांड से मंगा लेते हैं, कोई ऐसी उनके सामने खड़े होकर कह सकते हैं भाई ये क्या भेज दिया आपने, तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर कोशिश करेंगे ऑनलाइन परचेजेस ना करें. तो थैंक यू सो मच. और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि भाई अब मैं जो हूँ अब दिस वीक इज़ माय लास्ट वीक, तो जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया उनको बताते चलें कि दिस इज़ माय लास्ट वीक. इंशाल्लाह फिर ईद के बाद आप लोगों से जो है ना होगी मुलाकात, यहाँ पर ज्वाइन करेंगे जी एक नए शो के साथ, रेडियो आवाज़ पर होंगे. पर फिलहाल चूँकि कोरोना से मुझे लगता है बहुत डर, तो मैं तो भाई घर पर बैठने वाली हूँ. मैं एसओपीज़ फॉलो करते करते जो है वो घर पर बैठना ही समझ रही हूँ कि एक अकलमंदी है, और घर पर बैठा जाए और पुरसकून तरीके से घर पर बैठा जाए और रिस्क ना ही लिया जाए तो बेहतर है. आई हैव दिस मज़ेदार से ट्रैक, इसके बाद करेंगे जी आपके कमेंट्स शामिल छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद. आई मीन
Awaz 105 11 बजकर 40 मिनट हुए चाहते हैं और आपको मेरे साथ 12 बजे तक इसी तरह बना रहने वाला है. आपको बताते चलें कि दिस इज माय लास्ट वीक और बुध तक आपका मेरा साथ रहने वाला है. सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक इसी तरह साथ निभाते रहेंगे, बताते रहेंगे आप लोग हमारे साथ साथ कौन कौन कहाँ कहाँ से हमें सुन रहा है ये भी आप लोग मुझे बताएंगे जी कॉमेंट्स कॉल या SMS के जरिए. आपके कॉमेंट्स जल्दी जल्दी शामिल कर लेते हैं. अनस चीमा है जी स्पेन से हमें सुन रहे हैं. वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच अनस, आपने हमें ज्वाइन किया. साथ ही वो कहते हैं कि जी ऑनलाइन शॉपिंग की जो हम बात कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि इंटरनेट पे क्वालिटी कुछ और होती है और जब ओपन करें तो जाहिर है फिर कुछ और ही हो जाता है. मुद्दसर नईम फारूकी हैं मंडी बहाउद्दीन से, गुजरा मंडी बहाउद्दीन से हमारे साथ. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच मुद्दसर, आपने हमें ज्वाइन किया है. बताते चलें कि आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के थ्रू, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं या और ये भी मज़े की बात है कि आप हमें हमारे आई होप के कोई कमेंट जो है वो मुझसे मिस ना हो जाए. अच्छा जी जाहिद हैं, जाहिद ने खैर हमें कॉल भी की थी, काफ़ी सारी दुआएं भी लिखकर उन्होंने भेजी हैं तो बहुत शुक्रिया जाहिद. और वालेकुम अस्सलाम. अच्छा जी हुसैन आलम हैं जी गिलगित से, हमें सुन रहे हैं हमारे साथ हैं. वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच, आप शो को पसंद कर रहे हैं. अच्छा जी और कौन है जी हमारे साथ, हमारे साथ और कौन है. अच्छा जी और हैं जी हमारे साथ मुजम्मिल वांदर हैं जी लैया सिटी से, थैंक यू सो मच मुजम्मिल, आपने हमें ज्वाइन किया. आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं आप हमारे साथ साथ हैं और अपने होने का साथ साथ एहसास भी दिला सकते हैं. एहसास तो खैर आप मुझे गाहे बगाहे अपने होने का दिलाते ही रहते हैं. और अच्छा जी आई होप और तो कुछ नहीं है, इफ़ देयर इज़ समथिंग यू नो आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से ऑनलाइन शॉपिंग ने आपका एक्सपीरियंस अच्छा किया या बुरा किया, या आपको ऑनलाइन शॉपिंग से मज़ा आया या फिर आपने कहा कि भाई मेरी तौबा आज के बाद तो ऑनलाइन शॉपिंग मैंने नहीं करनी. पर जहाँ ऑनलाइन शॉपिंग की हम बात करते हैं वहाँ पे हम ड्रेसेस की बात भी करेंगे. जिस तरह से स्प्रिंग है और स्प्रिंग में जिस तरह से नए कलर्स आ रहे हैं और आजकल तो ग्रे ऑरेंज येलो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और वाइट ब्लैक तो खैर रहता है, वैसे भी ट्रेंड में रहता है गर्मी सर्दी हर मौसम में ट्रेंड में ही वाइट और ब्लैक रहता है. पर इस दफ़ा बड़े ज़बरदस्त, मैं देख रही थी कि बड़े ज़बरदस्त डिज़ाइन आ रहे हैं, ख़ासतौर पर चिकन जो है उसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो बहुत ही मतलब वैरायटी उसमें बहुत ज़्यादा है. इस दफ़ा स्टॉक बहुत ज़्यादा है चिकन का और खाने वाली चिकन का नहीं क्योंकि पहनने वाली चिकन तो फिर हमें अफोर्डेबल है, पर मैं कहती हूँ खाने वाला जो चिकन है यानी कि मुर्गी वो मेरा ख्याल है अब हमारे अफोर्ड हम नहीं कर सकते, अब बहुत दूर हो चुकी है और कहाँ 400-500 पे चली गई है तो अल्लाह माफ़ कर दे बस. हम भी यही कह रहे थे कि अब तो चिकन कह के तो चावलों पे फूंक लें तो शायद बिरयानी का जायका आज चिकन अंदर डाल नहीं सकते. I cannot be bothered to be friendly. And why'd you keep on calling me a baby? You weren't doing nothing to impress me. So now is not the time for you to test me. I took 9 shots, I like the way they hit me. I'm in this club and everybody tipsy, yeah. I was gonna take it nice and steady, but now I feel like getting kinda messy. From saying what's on my mind. Only just a trick away from. Please don't touch me, just keep off me. Don't go asking for no favors. I've been nice for long enough, but now I'm on my worst behavior. Please don't touch me, just keep off me. Don't go asking for no favors. I've been nice for long enough, but now I'm on my worst behavior.
worst behavior. It's time for some sponsor messages. Stay updated with current affairs and happening from all around the world in just one click. Subscribe Awaz News on YouTube. www.youtube.com/AwazNews. Of Nation Radio Awaz. Welcome back after the commercial break. Main hoon Maha Malik, aap sun rahe hain Lifestyle with Maha Malik, only on Radio Awaz. And I hope you had a very good time. I hope ki aapka din bhi bahut acha gaya hoga aur aapke afternoon tak hum aapke saath rahe hain. 12 baje tak aapka mera saath hai aur saath mein 6 minute baki hain aur isi tarah saath bhi nibhate rahenge. Aapka mera saath ab inshaallah hoga Wednesday ko subah 10 baje se dopahar 12 baje tak aapka mera saath rehne wala hai. Isi tarah saath bhi nibhayenge aur batayenge आप हमारे साथ साथ हैं जिन्होंने कमेंट्स किए, कॉल्स किए और एसएमएस किए. थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन और अपने होने का अपने एहसास भी दिलाया तो बहुत देखेंगे. तो ये मेरा ख्याल है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक नहीं है और वैसे भी अगर आप देख लेंगे जिस तरह से महंगाई है और अनप्रडिक्टेबल से हालात हैं, कोई पता नहीं चलता जॉब्स कभी हैं कभी नहीं हैं. ये कभी कभी ये भी होता है कि हम कोशिश कर रहे होते हैं कि शायद जो है ना वो बेहतरी आ रही है या सैलरीज अच्छी हो रही हैं, पर उसी तरह महंगाई भी तो बढ़ती है. तो ये चीज़ों का ख्याल रखते हुए आपने जो है वो मियाना रवि इख्तियार करनी है अपने हर मामले में. और कहते हैं आज की कोट या थॉट ऑफ द डे भी जो है वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं. कहते हैं कि जब आप खुद कोई भी चीज़ खुद अपने पैसों से कमा के ख़रीदें ना तो फिर उसके बाद आपकी ख्वाहिशात खुद ब खुद कम होने लग जाती हैं क्योंकि आपको पता होता है कि आपकी जेब में कितना पैसा है. हमारे पेरेंट्स अल्लाह ताला सलामत रखे तो वो तो हमारी ख्वाहिशात भी पूरी करते हैं, जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशात पूरी करते हैं. जी ये चीज़ लेनी है तो लेनी है, यूँ करना है तो करना ही करना है. तो वो सारी चीज़ें तो हम अपने वालदैन के साथ मतलब ये सारे नखरे और ये सारे बातें तो हम कर लेते हैं, पर जब खुद कमाने की बारी आती है और या फिर इस तरह से सिचुएशन आती है कि जब हमने खुद कमाना है फिर सारा फैमिली को सपोर्ट भी करना है, फिर ख्वाहिशात की जब होती है ना तो फिर ख्वाहिशात कम हो जाती हैं. तो कफायशारी से काम लें और कुछ सेव करें. एक परसेंटेज रखें कि इस ये मेरी इनकम है, इसमें से इतना मेरा सेव होगा, चाहे बैंक में हो चाहे कहीं पे भी रखें. और बाकी पैसे जो हैं वो उनमें से फिर डिवाइड करें, ये कितना जाएगा अपने लिए, कितना रखना है सेविंग के लिए, कितना रखना है घर पे, कितना देना है राशन, कितने का आएगा, यूँ सारी चीज़ें. तो ये एक अच्छा जो है हाउस होल्ड चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे मर्द हों चाहे ख़वातीन हों. तो वो इन दोनों के लिए ये चीज़ सोचना भी बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ अडॉप्ट करना भी बहुत ज़रूरी है. आई हैव दिस ट्रैक, लास्ट ट्रैक ऑफ द डे. आप इसको इंजॉय करेंगे और इंशाल्लाह अब मुलाकात होती है वेंसडे को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक लास्ट शो के साथ आपके साथ मौजूद होंगे. अपना बहुत ख्याल रखेंगे. दिस इज महा मलिक साइनिंग आउट फ्रॉम लाइव स्टूडियोज ऑफ रेडियो आवाज. टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे. अल्लाह हाफिज. Direct.